Hello everyone, happy Navratri to all my viewers, all my subscribers, all my friends. So, सबसे पहले guys, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको थोड़ा सा लगेगा, but I really wanted to make this video because आप लोगों के साथ हमारा जो connection है वो बरकरार रहना चाहिए. So guys, आज का जो video है वो उन लोगों के लिए है जो लोग hair removal creams लगाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन painless भी होना चाहिए hair removal. तो आज मैं आपके सामने एक हेयर रिमूवल पाउडर लेके आया हूँ जो है अर्बन मूच ब्रांड का. ये वो पाउडर है, इसका हम डिटेल में पूरा एनालिसिस करेंगे, एप्लीकेशन में करके दिखाऊंगा अपने चेस्ट पे. पर थोड़ा सा मैं बता दूँ, देखिए पाउडर फॉर्म में है ये, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है. थोड़ा सा एक केमिकल है जिसके वजह से आप बाल निकलेंगे कैसे अगर सब कुछ ही नेचुरल हो गया तो थोड़ा सा केमिकल है, बट द मोस्टली जो है इसमें वो है नेचुरल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, जिसमें मुल्तानी मिट्टी है, लिकोराइज पाउडर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. सो जो लोग को हेयर रिमूवल क्रीम से प्रॉब्लम है, जो लोगों को वैक्सिंग से प्रॉब्लम है, शेविंग से प्रॉब्लम है, वो ये लगा सकते हैं. इसमें आपको कोई भी जलन नहीं होगी, कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी इरिटेशन नहीं होगा. सो अब इसको इसका एक डिटेल में रिव्यू करते हैं. अर्बन मूच हेयर रिमूवल पाउडर देखिए इस ऐसे एक बॉक्स में आता है. ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स, स्किन एंड हेयर लिखा हुआ है यहाँ पे. ये 100 ग्राम का जो बॉक्स है ये आपको मिलेगा 300 में. मैंने इसको फ्लिपकार्ट से लिया था, ये मुझे पड़ा था 199 रुपीज़ में. तो गाइज़ आप देख सकते हैं एकदम मुल्तानी मिट्टी लिकोराइज पाउडर जैसा होता है ना, उस तरह से दिख रहा है ये पाउडर. बहुत ही सेफ ऑर्गेनिक पाउडर है. मैं आपको एक बार इसका इंग्रेडिएंट दिखा देता हूँ. ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, इट हैज़ चंदन पाउडर, इट हैज़ लिकोराइज पाउडर, इट हैज़ टर्मरिक पाउडर, इट हैज़ लेमन पील, ऑरेंज पील, रोज पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, कोवलिन क्ले, बेंजोनाइट फ्रैग्रेंस एंड बेरियम एक्स्ट्रैक्ट. सो गाइज ये देखिए, ये जो बेरियम एक्स्ट्रैक्ट्स हैं इसी की वजह से आपके बाल आसानी से निकल आते हैं, बाकी सारे चीज़ें नेचुरल हैं. इसको कैसे यूज़ करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइज. आप अपने बालों के अनुसार एक कटोरी में इस तरह से पाउडर को निकाल लीजिए. अब इसके बाद आपको ऐड करना है इसमें पानी. पानी चम्मच से ऐड करिएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. इसको एक थिक पेस्ट बनाना है. इसको इस तरह से मिक्स करिए, ये देखिए ये पेस्ट बन रहा है. थोड़ा सा फाउल स्मेल इस टाइम पे आपको आ सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और ऑर्गेनिक है, तो इसमें आपको कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है. इस तरह का एक पेस्ट बन जाएगा. अब आपको हम एप्लीकेशन करके दिखाते हैं. ये था रिव्यू ऑन अर्बन मूच हेयर रिमूवल पाउडर. आने वाले वीडियोस में मैं और भी दूसरे ब्रांड के हेयर रिमूवल पाउडर ट्राई करने वाला हूं और आपको फिर मैं एक एनालिसिस करके बताऊंगा कि कौन सा हेयर रिमूवल पाउडर मुझे अच्छा लगा. मैंने एक सीरीज़ बनाया है हेयर रिमूवल क्रीम्स के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई बॉल पे भी इसका एक लिंक है, आप देख सकते हैं जाके. आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा यूज़फुल ज़रूर लगा होगा, और अगर लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.